हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अम्लोकाइंड 80 टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे अम्लोकाइंड 80 टेबलेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जा सकता है, साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अम्लोकाइंड 80 टेबलेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, अम्लोकाइंड 80 टेबलेट में दो कॉम्बिनेशन है, एम्लोडिपिन और एटिनोलोल। इसमें जो एम्लोडिपिन है, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके कार्य करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर जो है कम होता है। और इसमें जो एटिनोलोल है, ये एक बीटा ब्लॉकर है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है और साथ में जो है हार्ट की गति को भी कम करता है। यह टेबलेट मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी प्राइस की बात करें तो 44 रुपीज है, यानी 44 रुपया है। 44 रुपया में जो है आपको एक स्ट्रिप मिल जाएगा। इसके एक स्ट्रिप में यानी एक पत्ते में 15 टेबलेट आता है। और इसकी कंपोजिशन की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो एम्लोडिपिन है ये 5 मिलीग्राम जितना आ जाएगा और जो एटिनोलोल है ये आपको 50 मिलीग्राम जितना मिल जाएगा। और इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन में किया जाता है, यानी उच्च रक्तचाप, यानी यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो यानी बढ़ गया, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो है एम्लोकाइंड 80 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एंजाइना में किया जाता है। किसी व्यक्ति के सीने में दर्द जकड़ा रहता है, उसी को एंजाइना बोला जाता है। एंजाइना यानी हृदय शूल, हार्ट में पेन होता है, उसी को एंजाइना बोला जाता है। यह स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति के हार्ट में प्रॉपर रूप से, यानी जो दिल है उसमें सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो उसी स्थिति में जो है ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है। बोल सकते हैं किसी भी प्रकार के अगर ब्लड प्रेशर हाई होने से, यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो भी समस्या होता है व्यक्ति में, उसके इलाज में, उसको ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल, यानी अम्लोकाइंड 80 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं। इसे 5 से 10 दिनों तक चलाया जाता है। किसी किसी व्यक्ति में जो है डॉक्टर जो है इसे लंबे समय तक चलाते हैं। इस टेबलेट को जब भी लेना है डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। बच्चों में जो है अम्लोकाइंड 80 टेबलेट का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कब्ज की शिकायत हो सकती है, हाथ पैरों में सूजन हो सकता है, जो है हार्ट जो रेट है वो कम हो सकता है, थकान होना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप जो है अम्लोकाइंड 80 टेबलेट लेना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर दिखाएं। और इसकी सावधानी की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में और बच्चों में कभी भी नहीं किया जाता है। ओल्ड एज में जो है सावधानी के साथ दे सकते हैं। इस टेबलेट को लेने के बाद जो है अल्कोहल का सेवन न करें, ड्राइविंग न करें, हैवी मशीनों पर भी काम न करें। यदि किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट से किसी प्रकार के एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में भी जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज में जो है बहुत सावधानी के साथ इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें जो है सावधानी के साथ इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस टेबलेट को लेने के बाद जो है कोई और दवा लेना हो इसके साथ तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और यह टेबलेट लेने के 4 घंटे बाद ही जो है ग्रेप्स जूस ले सकते हैं, यानी अंगूर और सेब संतरे यूज करना चाहिए। 4 घंटे बाद ही इसका इस्तेमाल, मतलब संतरे का या अंगूर का या सेब का इस्तेमाल करें। और इसको जब भी लेना है डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। यदि किसी व्यक्ति का जो है बीपी लो है, यानी ब्लड प्रेशर लो है, कम है, तो उस स्थिति में जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसका ओवरडोज ना ले, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल ना करें और जब भी ले डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। इस टेबलेट को लेने के बाद जो है 4 घंटे बाद ही जो है अंगूर या सेब या संतरे का यूज करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड या लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सावधानी के साथ इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था अम्लोकाइंड 80 टेबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।